अस्सलाम वालेकुम आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपको मैंने अपडेट देनी है इटली वर्क परमिट के हवाले से 2022 के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर जो फैक्ट अभी मेरे सामने आए हैं अब कब तक डेट है आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो भी डेट देने लगाऊ कौन लोग एलिजिबल होंगे कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे किन किन शोबों में ये मामला होंगे किन किन शोबों में मामलात नहीं होंगे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सामने समझ में आपको आ जाएगा मैं आपके सामने सब कुछ रख रहा हूँ ए टू जी रख रहा हूं आपको उसको देखते रहिएगा इसमें सबसे पहले यह है कि हम बात कर रहे हैं इटली की इटली 2022 के हवाले से फरवरी यानी कि फर्स्ट फरवरी से आज जो है तकरीबन तीन तारीख है तो फर्स्ट फरवरी से यह आगाज हो चुका है इसका अखता कब होगा कब तक आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए और वो डेट है सत्रह मार्च सत्रह मार्च दो तक एप्लीकेशन कबूल की जाएंगी सत्रह मार्च के बाद अप्लाई मत कीजिएगा दो को क्लोज कर दिया जाएगा अब यहां पर जिन चीजों को मैं फोकस कर रहा हूं वहां पर आप अपनी तवज्जु रखिएगा ताकि आपसे गलती ना हो कौन लोग एलिजिबल हैं कौन लोग नहीं हैं काइंडली उसको आपने नोट करना है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियंस और फिलिपीनी नेपाली सभी एलिजिबल हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन के जब हम बात करेंगे तो आपने इसको नॉन सीजनल वीजा कहना है ये सीजनल वीजा नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक साल से लेकर दो साल तक का वीजा मिल सकता है इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी यहां पर कोई हमें नहीं मालूम कि क्या होने लगा है, लेकिन एक साल कम से कम दो साल ज्यादा से ज्यादा मगर दोनों सूरतों में क्या होगा एक्सटेंडेबल होगा जो दूसरा शोबा है वो है ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज ऑल्सो नॉन सीजनल यहां पर पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेशी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन uh, में कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में नहीं कर सकते तो यहां पर आप अप्लाई नहीं करेंगे ये आपने दबाव रखना है उसके बाद फिर जो सीजनल काम है जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं शेफ हूं या मुझे वेटर पे काम करना है या मैं क्लीनर्स में जाऊँगा या डिश वॉशर हैं जो कुछ भी जितनी कैटेगरीज हैं ये सब के सब में आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स uh, में आ जाते हैं या जो भी आपने देखा होगा साइट पर जो बने हुए होते हैं या जो समंदर के किनारे आप देखते हैं लंबी इटली के अंदर वो बहुत या, या जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यानी कि यू कैन से इन अ सिंपल वर्ल्ड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टूरिस्ट प्लेसेस इन इटली मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसको ये खिताब मिल जाए या डेट में जैसा कहते हैं ना वो ये ये जो टूरिस्ट प्लेस है तो इसके अंदर आपको नजर आता है कोई स्ट्रीट फूड स्ट्रीट वगैरह मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि टूरिस्ट के अंडर आती है तो वहां पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं वो तो जो आम रेगुलर पूरा साल बारह महीने चलने वाले जो रेस्टोरेंट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर वहां पर कोई आपका रिश्तेदार है दोस्त है तो उससे आप मदद भी नहीं मांगेंगे तो अच्छी बात है वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा तो यहां पर जो है आ, उसके अंदर आप तकरीबन बयालीस हजार लोगों को लिया जाएगा तो टोटल कंप्लीट जो कोटा है और इस बयालीस हजार में बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस नेपाली फिलिपीनी सभी अलाव हैं सब कर सकते हैं यह उनको दिया जाएगा अब आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या होगा तो वो भी समझ लीजिए उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको जो आ, काम करना है वो ये है कि जो भी आपका अगर कोई इटली में मौजूद है या आप खुद कर सकते हैं या कोई आपके रेफरेंसेज हैं या आपको कोई वर्चुअल फ्रेंड है जो कुछ भी है आपने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बात करनी है जॉब ऑफर लेटर की ताकि आपको वो जॉब ऑफर लेटर दिलवाए ताकि आपके पास एक रीजन टू अप्लाई हो अगर जॉब ऑफर लेटर नहीं निकाल के देगा तो फिर आपकी प्रोफाइल बन ही नहीं पाएगी क्योंकि आपने जो अपना नाम डालना है बयालीस हजार के अंदर तो वो ऑफर के साथ ही डलेगा ये उनकी पहली शर्त हो गई उसके बाद वो आपसे मांगेगा क्या आपसे मांगेगा पासपोर्ट की फो, फोटो कापी मांगेगा आपसे वो बोलेगा मुझे अपनी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भेजो और एफ भेजो बस इतनी चीजें मांगेगा आपसे तो मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है कि आपने एक एम्प्लॉयर अरेंज करना है आपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है आपकी जो एज है वो यहां पर फॉर्म में लिखी हुई नहीं है तो मैं इसलिए उसको मेंशन नहीं कर सकता लेकिन आप मुझसे मशवरा मांग सकते हैं कि क्या होनी चाहिए देखिये जब उन्होंने एज नहीं लिखी तो हमें एज पर बात करनी नहीं चाहिए उसूलन लेकिन ब्रादराना मशुरा यह है कि अगर जो बाकी जगहों पे लिखा होता है मतलब जब हम काम करते हैं इस फील्ड के अंदर तो जब मैंने बाकी कंट्रीज को डील किया हुआ है तो उसके अंदर हमें 45 नजर आ रही होती है एज मतलब इस काम के अंदर इटली ने नहीं किया लेकिन मैंने बहुत जगह काम किया है तो मुझे वहां पर पैंतालीस साल की एज लिमिट दी गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैंने कभी किसी वीडियो में बताया कभी नहीं बताया क्योंकि हमारी जो ओवरसीज कंपनी है वो ये काम कर रही होती है और वहां पर हम फॉर्म के अंदर पैंतालीस uh, साल की उम्र पढ़ रहे होते हैं लेकिन इस फॉर्म के अंदर मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं कि अगर नहीं पढ़ी तो फिर भी बंदे को जवान होना चाहिए ठीक है ना बासठ साल का आदमी जो है उसको आप किस तरह कहेंगे कि आप रेस्टोरेंट के अंदर आ जाए कर तो सकता है मतलब वो जब तक वो जिंदा है वो काम तो करेगा लेकिन बहरहाल उनको शायद वीजे के अंदर प्रॉब्लम आ जाए ना दें फिर आप कहते हैं कि इटली में तो इटालियन जबान चलती है जबान की तो कोई पाबंदी नहीं है तो उन्होंने साफ ही लिखी दे दी कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है लैंग्वेज का को कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि आप कहां पर हो टूरिस्ट प्लेस के ऊपर हो तो अगर टूरिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कैसे हो सकता है तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि उस टूरिस्ट एरिया के अंदर आप इटालियंस को तो ज्यादा कमी डील कर रहे होंगे ना टूरिस्ट को डील कर रहे होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ भी कोशिश करके जोर लगाकर आपसे इंग्लिश बोलेगा या समझाएगा और आप भी उतना ही कर रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा फिर आगे बात आती है एफ आई आर वगैरह की कोई केसेस रजिस्टर्ड जो, जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए अगर हैं तो एक्टिव नहीं होने चाहिए आपके ऊपर एफ आई आर नहीं होनी चाहिए आपके रिकमेंडेशन के अंदर ही जरूरी है इसके बाद मैंने आपसे कहा कि करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा एफ आर भी जमा कराना पड़ेगा और जो एम्प्लॉयर आपके लिए ऑफर लेटर दे रहा होता है उसके ऊपर टिकट लगा हुआ होना चाहिए और टिकट जो है उसकी मालियत जो है वो चेक की गई है जिन जिन, जिन लोगों का मैंने देखे हैं वो सोलह यूरो का टिकट लगता है वहां पर और वो ये तमाम खर्चा भी कौन कर रहा होता है वो मालिक ही कर रहा होता है जो आपको बुला रहा है क्या आपसे वो कोई तकाजा करेगा फीस का इसके अलावा यानी कि जो वर्क वीजा है उसको तकाजा करेगा नहीं तकाजा करेगा अगर तकाजा करता है तो फिर फ्रॉड ही हो गया साँ, आम सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि जी ये ये मैं आपको ऑफर ऑर्डर भेज रहा हूं और मुझे आप दो लाख दे दें तीन लाख दे दें दे, तो वो फिर से मतलब वो फ्रॉड हो रहा है तो उसको ना दें आप सिंपल सी बात यह मतलब आपको कहते ना ये चेक करें चेक क्या करें पैसा मांग रहा तो फ्रॉड ही हो गया नहीं मांग रहा तो ठीक हो गया ये सिंपल सा उसूल भी रख लें उसका बजाय कि आप अम्बेसी के चक्कर लगाएं या हमको बोले पेपर चेक करके दो सौ उसके बाद आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अगर हम किसी से प्रोसेस करवाते हैं तो पाकिस्तान में अगर किसी से प्रोसेस करवाते हैं तो अगर वो जायज पैसे लेता है आपसे ठीक है ना तो तो समझ में आती है बात कि भाई आपसे कह रहा है कि जी मैं फाइल मैं दे दूंगा दस हजार लूंगा पंद्रह हजार लूंगा बीस हजार लूंगा तो बात समझ में आती है लेकिन अगर उसकी फरमाइश ही पांच लाख दस लाख की हो तो फिर वो अगेन गलत है तो उसको भी ना करवाएं आप बंदा चेंज कर लेना जरूरी नहीं इसे लड़ाना शुरू कर दें हमारे साथ यही होता है हमारी बात किसी को समझ में आ जाती है कोई हमारी बात समझ जाता है तो वो कहता है कि ठीक है जी आप आप हम आप, आपसे करा लेते हैं और कुछ ऐसा होता है जिसको समझ में नहीं आती भाई समझ में नहीं आई तो बात खत्म करें वहां पर कॉल काटें फिनिश करें दयान करें वो इतनी लंबी एंगेजमेंट अच्छी नहीं होती कि आप उसको पूरा समझाएं कि जी मैं आपको समझा दो कैसे काम होगा ये बेकार बात है कंपनी का मिजाज अपना होता है और वो एक रूल के तहत चल रही होती है तो आपने अगर आपको किसी कंपनी कोई मैं आपको मिसाल दी कि अगर कोई कह रहा है कि जी बीस हजार लूंगा तो उसको आप निगोशिएशन कर लें बीस भी ठीक है लेकिन अगर आपको वो कहता है कि जी मैं आपसे लूंगी दस लाख रुपए तो दैट इज रॉन्ग क्योंकि वो नजायज हो गया ना क्योंकि आप सर्विस फीस कितनी ले सकते हैं तो सर्विस फीस दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार तक समझ में आप बता रही है तो जो चीज समझ हजम हो जाए आपको तो वो हाथ तक आप काम करें तो ये है अपडेट अब अप तक सत्रह मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं सत्रह मार्च तक अगर आप अप्लाई करें अच्छा अब इस काम के लिए आपने अगर आपके पास तमाम चीजें हैं इंप्लॉयर लेटर है तो आपके पास जॉब ऑफर है तो आप फोन कर सकते हैं इस, इस काम के लिए वरना अगर आप वैसे ऐसे ही फोन कर देंगे कि इटली या फिर क्या हुआ और ये हुआ वो वो, वो फायदा कोई नहीं उसका क्योंकि तो हम आपके फोन सुनने के बाद मालूम क्या देंगे आपको मैंने पूरी मालूम आपको ए टू एटूसी दे दी है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बता दी सब कुछ बता दिया आपको ए टू जी इन्फॉर्म मैंने आपको कर दिया इसके अलावा कुछ बाहर नहीं है इससे आप सत्रह मार्च तक का टाइम भी है तो अगर आपको मालूम चाहिए हो तो आपको इस चैनल के ऊपर यह मालूम मिल चुकी है इससे ज्यादा और है ही नहीं कि आपको वो कुछ छुपी हुई बात आपको काउंटर में बताएंगे काउंटर में इससे ज्यादा आपको नहीं इन्फॉर्म कर सकते तो उसके लिए फोन नहीं कीजिएगा मालूम के लिए अगर ये चेकलिस्ट पूरी है तो फिर फोन कीजिए अगर आपको हमारी प्रोसेसिंग चाहिए हो अगर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं है हम किसी को ये डॉक्यूमेंट अरेंज करके नहीं देते ना तो हम आपको पासपोर्ट बना के देंगे ना हम आपको एफ आर सी बना के देंगे नादरा का काम है ना हम आपकी एफ आई आर खत्म करेंगे पुलिस का काम है ना हम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे पुलिस का काम है ना ही हम आपको इंप्लॉयर लेटर देंगे इंप्लॉयर का काम है अगली वीडियो मिलते हैं